जय शंकर बाबा लोग, नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर एंड आज के व्लॉग की शुरुआत 11 बजे से कर रहा हूँ। अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा था क्योंकि कल मेरी हालत नहीं थी वीडियो एडिटिंग करने की। वैसे तो रात को बैठता ही हूँ लैपटॉप पे, बट कल बिल्कुल भी लैपटॉप नहीं चलाया, डायरेक्ट सो गया था। नींद वगैरह तो आई नहीं, सर में काफी दर्द हो रही थी, इस चक्कर में मैंने लैपटॉप नहीं चलाया। जस्ट सुबह उठ के सारी की सारी वीडियो एडिट की। वीडियो एडिट हो गई है बट यहाँ पे रेंडरिंग में कुछ एरर आ गया। ये एरर पता नहीं क्यों आ रहा है, बार बार ही आता है ये एरर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को ये एरर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही होता है जब भी मैं पहली बार वीडियो का रेंडर लगाता वो रेंडर नहीं हो पाती, जब मैं सेकंड टाइम उसको रेंडर पे लगाता हूं तब हो जाती। जैसे मैंने दोबारा से लगा दिया वीडियो को रेंडर पे, देख सकते हो आप। वीडियो वगैरह अपलोड कर दूंगा एंड उसके बाद तो वीडियो वगैरह की वेट करते हैं, जैसे ये रेंडर हो जाती है उसके बाद अपलोडिंग पे लगा के मैं खाऊंगा खाना। आज मेरी हालत कल से काफी ज्यादा अच्छी है, अच्छा फील कर रहा हूँ। जुकाम है बट कम लग रहा है, लाइक एनर्जेटिक फील हो रहा है। जैसे कल मेरी बुरी हालत थी वैसी नहीं है, काफी ज्यादा रिकवर कर लिया। घर के नुस्खे बहुत हार्ड होते हैं, बहुत काम करते हैं यार, मान गए यार घर के नुस्खों को। और यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी वीडियो रेंडर हो चुकी है, इसको अपने फोन में लूंगा एंड कर दूंगा अपलोड। बस आप फुल पावर सपोर्ट करो, फुल पावर प्यार बनाए रखो बड़ा। अभी किचन में जाऊंगा, खाऊंगा खाना, मम्मी ने भी नहीं खाया होगा क्योंकि मम्मी ऑलवेज मेरे साथ ही खाना खाते हैं। जब भी मैं उठता हूँ मम्मी काम वगैरह करते रहते हैं घर के, तो मम्मी बहुत लेट खाते हैं, मेरे साथ ही खाते हैं खाना। चलो खाना वगैरह खाते हैं। तो वीडियो का सारा काम हो गया, अभी चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं। मम्मी बुला रहे हैं, मम्मी अंदर ही ले आए हैं खाना। खाने में आज बनाए शिमला मिर्च बनाई हुई है भर के, भिंडी बनाई हुई है भर के एंड टिंडा भी बना हुआ है। तो चलो खा लेते हैं खाना एंड ये लसाड़े का अचार जो मम्मी ने थोड़ा टाइम पहले ही डाला है। तो क्या बोलते हैं मम्मी, दही तो नहीं, जुकाम है आपको पता ही है। हाँ लस्सी भी नहीं खाऊंगा। हाँ खा लेते। मेरी वेट क्यों करते हो आप खाने में? मैं साला खा ले, खा ले तो इकट्ठे खा ले, दूध ही लेट के ना उठी। हाँ वो भी है। हाँ चलो खा लेते खाना यार। खाना वगैरह खा के नहाने चला गया था, अभी जस्ट नहा के आया हूँ एंड मम्मी ने यहाँ पे एक काम और दे दिया है। हमारी गंगा गाय, उसके लिए मुझे कुछ सामान लेके आना है। को पता ही है दरड़ बनता है जिस चीज का, वो बड़ूए एंड ऑल जो भी होता है, मुझे तो पता नहीं क्या होता है बट वो मम्मी ने लिख दिया हुआ मुझे पर्ची में, ये रही पर्ची। तो इस पर्ची से जो भी सामान लिखा हुआ है, बड़ूए है, तारा मीरा, जो बाकी घर का सामान है, चाय चीनी एंड बर्तन वाला साबुन, तो ये मुझे लेके आना है वहां से दुकान से। एंड इसका और जो बड़ूए एंड ऑल है वो मुझे मशीन पे क्रश करवा के लेके आने घर पे। तो चलो चलते हैं वहां पे, बड़े पापा से स्कूटी लेते हैं एंड जाते हैं हम मशीन पे। तो यहाँ पे सारे खा रहे हैं खाना एंड खाने में सब्जी खाली, बड़े पापा ने एंड मानी बनाए, मानी तो बहुत टेस्टी होता है यार। ताई मेरे को भी दे देना था यार थोड़ा सा। और दीदी को देखो बहुत आठ दीदी, हाँ दे दो बड़े पापा, मैं जा रहा स्कूटी लेके। ठीक है दो किलो कोई नहीं ले आऊंगा, ले आऊंगा। ये समान छड़ी बोरू छड़े था ना प्याड़े की, कना समान छड़ी है मता जाना फिर बोलूंगी की ले आऊंगा। केसी मजा है ना बेचारा। हां मैं पूछ लूंगा ना, मैं उसको पूछूंगा कितना टाइम लगेगा, अगर ज्यादा टाइम लगाएगा तो मैं देख प्याड़ ले लिया ज्यादा ना कमे मैं ना खाली किलो चली है। हां हां भाई भाई करूंगा भाई करूंगा, नहीं तो बड़े पापा चले भी जाएंगे कोई चक्कर नहीं है, तब मैं किसी लड़के को कॉल कर लूंगा गांव के। हां हाँ हाँ ये क्यों ये भी बीच पाने, हाँ डाल दो डाल दो डाल दो। चलो बाबा लोग चलते हैं, मम्मी यहाँ पे कुछ और भी लेके आए थे वो डाल रहे हैं, मैं स्कूटी निकाल लेता तब तक। मम्मी यहाँ पे ले आना ठीक है। तो ये रही अपनी धन्नो, निकालते हैं इसको एंड जाते हैं मशीन पे। One hour later. तो बाबा लोग सामान मैं लेके आ गया एंड जिस काम के लिए मैं गया था वो नहीं हुआ क्योंकि मशीन वाले ने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं करता हूँ, तो किसी और मशीन पे देना पड़ेगा, बट वो शाम के टाइम देंगे कहीं और किसी लड़के के पास, ताकि वो ले जाएगा, उसके गांव में है मशीन, उसको ही दूंगा इस बोरी को, वो ले आएगा क्रश करवा के। मम्मी जी सॉरी मैं नहीं करवा सका, तब मेरी गलती थोड़ी है, मैं क्या करूं, उसने मना कर दिया, बोले मैं नहीं। ताई ताई जी की चीनी भी बीच में ही है इसमें, एक चीनी का पैकेट फट गया पूरा, ये वाला फटे है। ये नहीं परली साइड फटे फटे एक, हाँ ये वाला होगा पर नहीं, दो किलो ताई को। अभी शाम के बज रहे हैं 5 एंड दोपहर को रेस्ट वगैरह किया, वही अपने देसी जुगाड़ देसी नुस्खे ट्राई किए एंड मेरी हेल्थ काफी अच्छी होगी। आप देख सकते हो कितना पावरफुल तरीके से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ एंड बहुत हार्ड अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे मेरी ताई की मिक्सी देखो, फुल पावर तरीके से ताई जुगाड़ू काम कर रही ताई भी है।
और देखो कितना बारीक कर लिए ताई ने, बहुत हार्ड ताई, बहुत हार्ड। अंजन से बात हुई आज? क्या बोल रहा था? ठीक ठाक है। हो गया इंस्टीट्यूट में? पता नहीं करा रहा पते हैं। अच्छा कोचिंग के लिए कर रहा था, बताओ। ठीक है ठीक है, लगे रहो। यहाँ पे देख सकते हो मेरी प्रिय अनुज पढ़ाई का काम कर रही है, और कितनी खुश होती है जब मैं इसको लुम्बड़ बोलता हूँ। देख रहा है लुम्बड़, देखो देखो इसकी हंसी, मम्मी को याद कर रही है, हंस भी रही है। प्रिय लुम्बड़ है ये मेरी। और ये मुझे मारती भी है, बहुत ज्यादा लड़ती है मेरे साथ। मोटा भाई है, मेरा मोटा भाई है बस नाम से ही। कमर इसकी मेरे से भी पतली है। तो क्या, वो चलता है, स्लिम रहना चाहिए बंदे को, क्यों बाबा लोग ज्यादा मोटा भी बंदा ठीक नहीं होता ना। इसको देखो कितनी बाहुबली है ना, ये कितनी मोटी है। मेरे को तो ऐसे बोल रही है जैसे, इसको देखो मैं इससे मोटी हूँ, देख लो बताना कौन मोटा है। मैं मोटी है। तेरे जैसे मोटे होने चाहिए। तेरे जैसे बंदों को मोटा बोलते तो अंजन को क्या बोले। बाहुबली। हाँ ये देखो इसको, बाहुबली को फूक मार दे तो उड़ी जाए। मार फूक ले। देखो उड़ गई ना। ऐसे होता है यार, मेरा सर गिर गया। कोई चक्कर नहीं, पढ़ ले, टाइम मत वेस्ट करो। दो दिन से मैंने भी कोई फन मस्ती नहीं की थी, क्योंकि मुझे बहुत जुकाम था, इसलिए आज थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। सोच रहा हूँ कि सभी को तंग करूँ, फुल पावर एंजॉय करूँ। अभी टाइम हो रहा है 7 बजे के करीब, एंड मैं टीम वगैरह लेके कल की तरह दोबारा से बाहर आके बैठ गया हूँ। अभी जुकाम की प्रॉब्लम है, आई थिंक कल तक गायब भी हो जाएगा यार। जैसे ये जुकाम हटेगा उसके बाद मैं जाऊँगा आउटडोर कुकिंग पे। इस बार कुछ अलग डिश बनाएंगे, चिकन नहीं बनाएंगे, बट बहुत हार्ड वाले ब्लॉग आने वाले हैं। नहर की साइड में हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, एक दो दिन में उसका प्लान बना रहे हैं हम भाइयों के साथ मिलके, तो वहाँ पे कुकिंग करेंगे। एंड उस दिन तो लंच भी हमने यही सोचा कि बाहर ही करें, बाकी आपके लिए सरप्राइज रहा कि हम क्या बनाने वाले हैं उस दिन क्या नहीं। फिलहाल ये देख सकते हो पीछे पढ़ने वाले बच्चे, क्लास को लगवाई, झूठ झाट मारा, एंड अभी फोन पे देखो सीरियल देख रही है। भाई क्या है यार, मैं कुछ भी नहीं। देख सकते हो आप, जब इन बच्चों को बोला जाता है तब ऐसे आंखें दिखाते हैं जैसे कि अभी दिखा रही है। दिखाना, देखो इनको क्या होगा रे तुम्हारा। ठीक लग रही है, क्या होगा इन बच्चों का कमेंट में बताना मुझे। क्या होगा मतलब? मतलब ये कि ऐसे सीरियल सीरियल देख के थोड़ी चलेगी जिंदगी। देखो इसको कैसे बोल रही है, ऐसे मत भौंक, भाई को बोल रही है भौंक, ऐसा कौन बोलता है। और देखो कितनी जोर से काट रही है मुझे बिल्लियों की तरह। अभी टाइम हो रहा है 8, एंड यहाँ पे मेरी बहन नीतू बनाने वाली है चपाती। इसका फेस देखो, एंड इसके चेहरे की स्माइल जो आपको दिख रही है, इसके पीछे इतना ज्यादा गुस्सा है कि इसको काम करना पड़ रहा है। देखो चपातियां बनानी पड़ रही है। क्यों नीतू बोलिए कुछ बोल। देखो देखो इसका गुस्सा, बोल नहीं सकती कैमरे के आगे, नहीं बोल रही, बट जैसे मैं कैमरा ऑफ करूंगा मेरे को मारने पड़ेगी ये, इतना मुझे पता है। देख सकते हो अभी भी ये कैमरे के नीचे से मेरे को ये बेलन मारा इसने, और चला गया। देखो ये मार रही है मुझे अभी भी, बड़ी चला गई, बहुत मैं कर रहा हूँ बंद। बना ले। तो बहुत लोग अभी टाइम है खाना खाने का, एंड खाने में बनी हुई है दाल और मैंगो का मानी है, एंड मैंगो यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, कल भी बनेगा मैंगो का मानी, एंड चावल है मैंगो का मानी, और मैंगो। और यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग की फुल पावर, मजाक उड़ाया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, खाना वगैरह खा के जस्ट अभी रूम में पहुंच गया हूँ मैं। मजा आ गया यार खाना खा के मैंगो का। आपको पता है ये खट्टा बनता है, माणी बनता है, बहुत ही हार्ड होता है, लाइक फुल पावर फील आया अभी थोड़ा सा। बाकी हेल्थ तो ठीक है, थोड़ा बहुत जुकाम बचा है, एंड आज मैं नीतू से अपने लिए विक्स इनहेलर मंगवाया था, विक्स वेपोर मंगवाई थी, एंड झंडूबा मंगवाई थी, बट वो ये कुछ तो लेके नहीं आई, बट मेरे लिए जानू लेके आई है। ये देख सकते हो आप, नीतू मेरे लिए जानू लेके आई है। तो ऐसे तो कोई जानू जूनू है नहीं, बट ये वाली जानू देख सकते हो आप, ये जानू मिल गई मुझे। सीरियसली आई एम बहुत हैप्पी कि मेरी जानू मेरा बहुत केयर कर रही है। जब मैं इसको नाक पे लगाता हूँ ना यार, आहा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है नाक पे, फुल पावर सुकून मिल जाता है मुझे इस जानू को लगा के। एंड आप
आप भी जो बंदे मेरी तरह सिंगल है वो इस जानू का यूज कर सकते हैं, लाइक नाक नूक में लगाने के लिए, जहां दर्दे होती है वहां लगाने के लिए। तो आई होप लोग आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पक्का सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, लव यू ऑल, जय शंकर, बाय।